यार आगे हूँ आप लोगों के लिए वॉइस ओवर लेके गेम प्ले के ऊपर। गाइस इजी नहीं होता 28 सोलो किल्स निकालना पोको X3 प्रो के अंदर, तो चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। गाइस ये कुछ सीन्स हैं मेन गेम के लेके, सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाय गाइज, तो कैसे आप लोग, दिस इज सीनियर गेमिंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आ गए एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के साथ गाइज, विद पोको X3 प्रो डिवाइस जो कि है 256 GB ऑफ रोम और 8 GB ऑफ रैम गाइज। सो जैसे मैंने गाइज पोस्ट किया था कम्युनिटी टैब में कि क्या मुझे गेम प्ले के ऊपर वॉइस ओवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गाइज आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। 85% आप लोगों में से जो है लोगों ने बोला कि यार आप वॉइस ओवर करो गेम प्ले के ऊपर गाइज। तो हम लोग यहाँ पे सो आ गए हूँ गाइज वॉइस ओवर के साथ और लैंड करते हैं यसनाया में। आस पास बहुत सारे बंदे, तो यहाँ पर गाइज मैं तीन बंदों को नॉक कर देता हूँ इंस्टेंटली गाइज। एक को तो मैं पैराशूट के अंदर ही नॉक करता हूँ, दो को पैराशूट ओपन होने के बाद नॉक करता हूँ। यहाँ पे मुझे UMP मिलती है गाइज और मैं UMP उठा के फोर्थ बंदे पे रश कर देता हूँ गाइज। मुझे लगता है कि वो बिल्डिंग के अंदर है, सो मैं रश कर देता हूँ। सो यहाँ पे गाइज नॉक बंदे को कर देता हूँ मैं फिनिश और फोर्थ प्लेयर के लिए मैं जाता हूँ आगे। तो यहाँ पे गाइस कुछ बोट्स आपस में फाइट कर रहे होंगे, तो मुझे इतना पता चल जाता है कि यार फोर्थ बंदा भी यहीं पे होने वाला है क्योंकि बोट्स वहीं पे टेलीपोर्ट होते हैं गाइस जहाँ पे कोई बंदा होता है रियल बंदा। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं फोर्थ प्लेयर को भी फिनिश गाइस और बोट को भी फिनिश कर दूंगा। तो गाइज यसनाया के अंदर अभी भी बंदे होते हैं और वो आपस में फाइट्स वगैरह ले रहे होते हैं गाइज, तो मेरे पास आते हैं एक दो बोट्स तो उनको करूँगा मैं फिनिश। एंड यस गाइज ये फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ गाइज, तो बहुत मेहनत के बाद बहुत टेक्स लेने के बाद गाइज वॉइस ओवर हुआ है गाइज। तो यार सब्सक्राइब तो बनता है गाइज, पसंद आ रही वीडियो गाइज तो लाइक कर दे गाइज, भाई को सपोर्ट दिखाएं, सीनियर भाई को सपोर्ट दिखाएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें गाइज और सब्सक्राइब तो मस्ट है। कोई क्वेश्चन है गाइज पोको X3 प्रो से रिलेटेड तो आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो यार। सो यस यहाँ पे एक और बोटवा को भी मैं कर देता हूँ फिनिश गाइस, और जो यसनाया के अंदर के बंदे होते हैं उनकी इंटेंशन जो है मेरी तरफ हो जाती है क्योंकि उनको पता चल जाता है यार यहाँ पे भी कोई बंदा है, सो वो दो बंदे भी यहाँ पर रश करने की कोशिश करेंगे एंड देखो गाइस क्या होता है। सो यहाँ पर ये भाई चालाकी के साथ स्मोक करके गाइस कर रहे होते हैं मेरे ऊपर रश, दो बंदे होते हैं गाइस, मैं एक नेट करता हूँ बट वो अंदर ही गिर जाता है गाइस, सेकंड नेट के साथ दोनों प्लेयर्स हो जाते हैं फिनिश। तो इस फिनिश के ऊपर गाइस लाइक तो बनता है गाइस, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, भाई को सपोर्ट दिखाओ गाइस। आप लोगों के लिए वॉइस ओवर किया, आप लोगों के लिए गेम प्ले बनाता हूँ गाइस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता हूँ गाइस पोको X3 प्रो से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, लाइक भी बनता है, सो लाइक कर दो गाइस। सो यस यहाँ पर मैं TP भी ले लेता हूँ गाइस ताकि कोई अगर आता है यसनाया से तो मैं उसको नॉक फिनिश कर दूँ, कोई नहीं आता मैं आके जाता हूं गाइस। सो यहाँ पर गाइज ये बोट को नॉक करके पता नहीं क्या कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है या पता नहीं क्या कर रहा होता है, बट आगे बढ़ते हैं ब्लू बिल्डिंग के अंदर इसका सेकंड बंदा होता है गाइज, मैं TP भी लेके आगे जा रहा होता हूँ कि कहीं मुझे कैंप पर फिनिश ना कर दे। सो
सो यस गाइस, यहाँ पे करता हूँ मैं नॉक ब्लू बिल्डिंग वाले बंदे को भी, जो कि पहले बंदे का टीममेट होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक नेट की, शायद ये फिनिश हो जाए, लेकिन ये फिनिश नहीं होता गाइस। तो इनका थर्ड बंदा गाइस होता है स्क्वाड हाउस के अंदर, स्क्वाड हाउस के अंदर स्मोक करता है ऊपर। मुझे लगता है गाइस कि यहाँ पे दो और बंदे हैं स्क्वाड हाउस के ऊपर, बट यहाँ पे बंदा एक होता है। एंड मैं पीछे पहले जाता हूँ गाइस, बोट्स फायर कर रहे होते हैं, तो बोट्स को देखने कि वहाँ पे कोई बंदा है या नहीं, बट वहाँ पे कोई बंदा नहीं, बोट्स ही होते हैं। एंड यस, वापस आके गाइस स्क्वाड हाउस के बंदे को लपेटते हैं। तो गाइज ये बंदा एक होता है, मुझे लगता है यहाँ पे दो बंदे हैं, तो इसको मैं इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश कर देता हूँ गाइज। एंड यस, अंदर आके मैं हीलिंग करता हूँ कि बाहर अगर कोई नेट कर दे गाइज तो मैं फिनिश ना हो जाऊँ। सो यहाँ पे मैं अंदर आके हीलिंग करता हूँ गाइज, एंड इतने में ही मैं बाहर जाऊँगा लूट करने गाइज। सो अगली ही बिल्डिंग से एक और बंदा आएगा। यस गाइस, यहाँ पे स्मोक किया मैंने और यहाँ पे मैं लूट कर रहा हूँ गाइस, तो साथ ही बिल्डिंग से एक बंदे की हीरिंग आएगी। तो गाइज एनिमी जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही होता है, बट मैं ऊपर जाता नहीं हूँ गाइज। तो वहाँ पे कुछ रोड की तरफ यस नया में बोट्स फाइट कर रहे होते हैं गाइज, तो मैं पीछे से निकल के बोट्स की तरफ जाता हूँ एंड यस बोट्स को फिनिश करूँगा गाइज। सो यहाँ पे गाइज मैं करता हूँ बोट को फिनिश एंड यस यहाँ पे मैं टीवी भी लूँगा गाइज, कि शायद अगर ये बंदा मुझे नज़र आ जाए तो मैं इसको फिनिश कर दूँ, लेकिन ये सामने नहीं आता गाइज, नज़र नहीं आता, ये पूरा हाइड एंड सीक गेम खेल रहा होता है मेरे साथ। सो तो अब जैसे ही गाइस मैं आगे जाता हूँ तो मैक्लारेन के अंदर तीन बंदे मेरी तरफ आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे गाइस पता नहीं मुझे क्या हो गया था, 6x स्कोप जो है मेरे स्कार पे लगा हुआ था, मुझे समझ नहीं लगी गाइस। एंड यहाँ पे तीन बंदों को कर देता हूँ मैं नॉक एंड का फोर्थ बंदा पता नहीं मुझे गाइस कहाँ होता है, बट पीछे वही वाला बंदा होता है जो काफ़ी देर से पीछे रह के टीवीपी ले रहा होता है, तो मैं उसका वेट कर रहा होता हूँ। थोड़ा उससे हेजिटेट भी होता हूँ यार, कहीं पर मुझे वो नॉक फिनिश ना कर दे, तो उसकी तरफ भी मैं टीवीपी ले रहता हूँ गाइस। तो यहाँ पे करेंगे एक और बंदे को जो लास्ट यहाँ पे नॉक करके उसको फिनिश कर देंगे। एंड देन यहाँ पे स्मोक करके गाइस मैं यहाँ पे गाड़ी भी ले आते हैं एनिमीज, तो इनकी गाड़ी लेके यहाँ से मैं निकलूँगा गाइस। तो गाइस यहाँ स्नाइपर निकलते हुए राइट साइड से मुझ पर फायरिंग होती है गाइस, लेकिन मैं लेफ्ट साइड चला जाता हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी फायरिंग की आवाज़ ही होती है गाइस। सो मैं वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ यार कि अगर कोई एनिमी है तो वहाँ उससे फाइट लूँ। बट यहाँ पे गाइस एक ही बंदा होता है जो कि ओपन सीट US के अंदर गाइस निकल रहा होता है, मैं उस पर फायर दूँगा बट कोई फायर कनेक्ट नहीं होगा। सो
सो गाइस यहाँ से निकलती हूँ, एक बंदा राइट साइड पे गाइस ऑफलाइन खड़ा होता है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ इस बंदे को फिनिश करने के लिए, नॉक करने के लिए, बट गाइस इसका कोई इंटरनेट का इशू होता है, टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था या कोई इशू होता है गाइस, एंड देन यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो यहाँ पर गाइज नीचे रेड हाउस में गाइज एक बंदा होता है, अब एक होता है बट मुझे कंफर्म पता नहीं होता गाइज कि कितने बंदे हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पे मैं सराउंडिंग्स चेक करता हूँ गाइज, अगर दो बंदे हों तो एक को नॉक देकर मैं वहाँ पे पुश कर दूँ गाइज, बट यहाँ पर बंदा एक ही होता है। मैं अदरवाइज सराउंडिंग्स चेक करता हूँ कि कोई मुझे देख ना ले यहाँ पे, कोई मुझे नॉक फिनिश ना कर दे, एंड देन यस मुझे पता चल जाता है यार वहाँ के पे एक ही बंदा है, तो मैं यहाँ से उसके ऊपर डायरेक्ट रश कर देता हूँ। तो यस गाइस को हम नॉक करके फिनिश कर देते हैं, ये वही बंदा होता है गाइस जो यहाँ पे घर में मौजूद होता है, लेकिन अब ये बाहर चला जाता है, वहाँ पे लेट जाता है, घास के अंदर स्नेक बन जाता है कि ये मैं आऊँगा तो मुझे यहाँ पे फिनिश कर देगा, बट इसको मैं देख लेता हूँ एंड फिनिश करता हूँ। इसी दौरान गाइस यहाँ पे एक पत्थर के साथ बंदा खड़ा होकर गाइस टीवी भी ले रहा होता है, मैं इसको एक बॉडी शॉट दूंगा गाइस। सो यस गाइस बॉडी शॉट देने के बाद इसकी गाड़ी के टायर में कर देता हूँ पंचर, एंड गाइस मैं बगी के साथ कर देता हूँ उस बंदे के ऊपर रश, एंड यस ये बंदा हो जाता है पैनिक और ओपन में ही लैंड करके गाइस गाड़ी से नीचे उतर के लेट जाता है, प्रोन हो जाता है, बट देन इसको भी मैं फिनिश कर दूंगा यहाँ पे। तो इन भाई साहब को तो हम लोग कुचल देते हैं बगी के साथ। तो गाइस मैं एनिमीज देख रहा होता हूँ गाइस, एनिमीज ढूंढ रहा होता हूँ, लोकेशन देख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ड्रॉप पड़ा होता है गाइस जो कि पोशिंकी के करीब ही ड्रॉप पड़ा होता है गाइस, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे दो बंदे ड्रॉप लूटने के लिए होते हैं, एंड दोनों बंदों को गाइस मैं पेल दूंगा यानी कि फिनिश कर दूंगा। तो गाइस पहले बंदे को तो मैं करता हूँ नॉक एंड सेकंड वाला डायरेक्ट फिनिश होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे दो ही बंदे थे गाइस, तो यहाँ पे जाते हैं फिर ड्रॉप लूटने के लिए और लूट क्रेट्स लूटने के लिए। तो गाइस यहाँ पे जोन तो काफी छोटा हो चुका था बट बंदे यहाँ पे काफी अलाइव होते हैं, एंड यस गाइस यहाँ पे पोशिंकी के साथ जो बान हाउसेस होते हैं यहाँ पे दो बंदे यहाँ से गाइस भाग के जा रहे होते हैं, दोनों को हम कुचल देंगे गाइस, दोनों को यहाँ पे मैं कुचल देता हूँ और दोनों को यहाँ पे नॉक करके दोनों को इंस्टेंटली फिनिश कर देता हूँ बगी के साथ। मुझे नहीं पता गाइस इनके पास हैंड फ्री होते हैं या नहीं होते, लेकिन इनको हियरिंग नहीं आती और ये दोनों सीधा भाग रहे होते हैं, दोनों को फिनिश कर देता हूँ। यहाँ कुछ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी गाइस पोशिंकी के पास ही, सो यहाँ पे मैं एनिमीज को सर्च कर रहा था, यस यहाँ सामने से एक गाड़ी आती है गाइस जो कि तीर बंदों से भरी होती है, मेरे को फायर करते हैं गाइस एंड देखिए। अरे भाई यहाँ पे कर देते हैं तीनों बंदों को नॉक और फिनिश। तो गाइस इस तीन वन वी थ्री पे गाइस बनता है यार, लाइक बनता है, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब बनता है गाइस, बहुत मेहनत लगी है यार वॉइस ओवर करते हुए, काफ़ी टेक्स लिए हैं तो बहुत मेहनत है गाइस, इस वन वी थ्री पे तो बनता है गाइस, लाइक कर दो चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ पे गाइस मैं कर रहा हूँ हीलिंग, एंड यस पोशिंकी के अंदर बंदे जो होते हैं गाइस वो मेरी लोकेशन देख रहे होते हैं, मैं उनकी लोकेशन देख रहा हूँ, तो अगर मुझे नजर आ जाए तो मैं उनको इंस्टेंटली नॉक फिनिश कर दूँ, बट मुझे नज़र नहीं आते गाइस, मैं करता हूँ यहाँ पे बहुत सारा स्मोक, एंड यस गाड़ी में बैठ के कर देता हूँ रश, एंड यहाँ पर गाइस रश हो जाता है गलत, मेरी लोकेशन होती है गलत और यहाँ पर मैं हो जाता हूँ फिनिश, एंड यहाँ तक गेम प्ले गाइस इन्जॉय किया गाइस, मज़ा आया गाइस, तो लाइक करो, मुझे मोटिवेशन होगी गाइस, तो नेक्स्ट भी वॉइस ओवर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए गाइस, तब तक के लिए बाय।